गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो द विंची, जो कि लिखी गई एक बहुत ज्यादा शानदार लेखक जिनका नाम है माइकल गेल्ब। उन्होंने इस बुक में 6 प्रिंसिपल्स बताया जिनको हमें लियोनार्डो द विंची की लाइफ से सीखने चाहिए। उन्होंने इसमें काफी अच्छी तरीके से बताया गया है और इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि कैसे लियोनार्डो द विंची का जन्म हुआ, उनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब होती थी, मादर फादर एंड ऑल ऐसे बारे में बातें करते हैं। आप ये चीज़ गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कुछ ऐसी 6 चीजें जिनको आपको लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। वेट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो यानी क्वांटम लैब पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के उसके बगल वाली जो घंटी है उसको भी दबा देना, जिससे मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बोलोगे क्यों दीदी मैं आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूँ, तो लिसन, इस चैनल पे मैं मोटिवेशन, फैक्ट, नॉलेज, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बहुत अच्छी लग रही है यार, दिल को छू जाए, तो लाइक करके जाइयो। और अगर कोई ऐसा खास दोस्त हो और जो ऐसे कंटेंट देखना चाहता हो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसको यार शेयर कर देना। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल गाइज, आप लियोनार्डो द विंची को जानते हैं, ये एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है आर्ट के, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई, एनाटॉमी के, बॉटनी के, फिलोसफी के, इंजीनियरिंग के और मैथमेटिक्स के भी। तो इतने बड़े एक्सपर्ट की लाइफ से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने की ज़रूरत है ही। तो इसी में जो माइकल गेल्ब अपनी बुक में बताते हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोमेटो के बारे में। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा क्या है, हम अभी अननोन चीज़ देखते हैं, ठीक है, हम जिसे जानते नहीं हैं हम उसके लिए अपने आप को कंफर्टेबल बनाते हैं। मतलब कि जो हम जैसे कि कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, हम कोई भी चीज़ अनरिलेटेबल देखते हैं, तो यार हम उस चीज़ से डरते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। तो इसमें ये बताते हैं कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, हमें डर लगता है अनसर्टेनिटी से, बट हमें उसको छेद कर आगे करना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब बात करते हैं हमारा सेकंड प्रिंसिपल जिसका नाम है क्यूरोसिटा। क्यूरोसिटा का यार मतलब समझ आ रहा है, वो क्यूरोसिटी से है। क्यूरोसिटी का मतलब है आज, मतलब कि टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यार जब छोटे तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते थे, स्काई ब्लू क्यों होता है, ये पहाड़ इतने बड़े हैं, ये कैसे क्रिएट हुए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आना, मतलब कि आप क्यूरियस है। तो क्यूरियस होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल बताता है डिमोन्स्ट्रेटिव में। वेल गाइस, डिमोन्स्ट्रेटिव से के नाम से आप इससे समझ गए होंगे, तो मतलब होता है आपको थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, मतलब जो कुछ हम नॉलेज दिए हैं उसको हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है अगर हम उस चीज़ को अच्छे से जानना चाहते हैं। तो इस वक्त इसमें यही बताया गया है। और अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसको प्रैक्टिकली करके हमें साइंस को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, तो इसमें ये बताया गया है। तो हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है यार, उसको कहते हैं सैंडर वाले। यार इस प्रिंसिपल में बताया है उन्होंने टेंस के बारे में। टेंस नाम से ग्रामर में समझ लेना, इसका मतलब हमारे 5 सेंस जो स्पेशली हमारे पास है। पहला जो टी है, टंग है, ई आईज एंड नोज एस स्किन ई और ईयर, हमें जो 5 ऐसे सेंस मिले यार, उनको हमें अपने लाइफ में यार अच्छे से इस्तेमाल करनी ज़रूरत है। इनकी जो भी स्पेशलिटी है, जो भी इसके पार्ट है, उसको हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है, इसकी बहुत ही वैल्यू है। तो यार फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या होता है, आर्ट और साइंस, तो इसे समझ में आ गया होगा। तो इसमें बताया कि कैसे यार आर्ट हमें क्रिएटिविटी बताता है, साइंस हमें लॉजिक बताता है, तो किस तरीके से हमको अपनी लाइफ में लॉजिक और क्रिएटिविटी के बीच में बैलेंस बना के रख करना चाहिए, और हमें हमेशा अपने लिमिट, जो माइंड की जो लिमिट है उसको क्रॉस करके सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी जितनी भी डिस्कवरी होती है वो एक लिमिट पार करके दिमाग की क्षमता को आगे बढ़ा कर ही होती है। और साइंस ये करने में मदद करता है, और आर्ट है वो चीज़ क्रिएट करता है, तो हमें इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा जो 6th प्रिंसिपल है यार, वो कहता है हमें कॉर्पोरलिटा के बारे में, जिसका मतलब है यार सिंपल सा एक्सरसाइज। यार हमें अपने हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जैसे हम बॉडी फिट रखें, एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। तो यही बताया गया है कि डेली एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। वेल गाइस, ये थे कुछ ऐसे 6 प्रिंसिपल जिसको आपको
लियोनार्डो द विंची की लाइफ से सीखने की जरूरत है। और गाइस आपको एक और बात बता दें, लियोनार्डो द विंची जो इटालियन थे उनके जो नेम का जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो कुछ इस प्रकार से है, लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची। तो ये करेक्ट प्रोनंसिएशन है गाइस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको कौन सा सिक्स प्रिंसिपल्स में से कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।